हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप मैप एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ रोज, मतलब गुलाब का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इसके सारे प्रैक्टिसेस के बारे में, इसकी वेराइटीज, उसके साथ साथ इसके यूजेज और उसके बाद इसकी डिफॉर्मिटीज, मतलब डिजीज क्या क्या लगते हैं, इनसे कौन कौन से लगते हैं और इसमें कल्चरल प्रैक्टिस कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि कल्टीवेशन ऑफ रोज। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर सेकंड दिख रहा है कि रोज क्या होता है, तो रोज का यूज आप सबसे समझ सकते हैं बहुत ज्यादा सुंदरता के लिए यूज होता है, मतलब एक फ्लावर है जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ यूज किया जा रहा है। रोज को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, मतलब प्यार का सिंबल कहा जाता है। उसके बाद रोज के बारे में आप जैसा फिगर आपके सामने कई टू दिख सकता है, तो गुलाब का फूल आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं इसका शुरुआत, मतलब कैसे हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, किस किंगडम से है, तो प्लांटी किंगडम से है ये। क्लास क्लास मैंगनोलोसोप्सिडा है। फैमिली रोजेसी, जीनस रोजा। साइंटिफिक नेम की बात करें तो रोजा सेंट्रिफोलिया, रोजा डेमेंसिकिया मेल और रोजा एल्बा, मतलब मेनली हम लोग को रोजा सेंट्रिफोलिया पढ़ना है। सबसे पहले जो है फैमिली की बात करें हम लोग तो रोजिएसी, तो हम लोग को मेन क्या क्या कर लर्न करना है कि फैमिली क्या है रोजिएसी, साइंटिफिक नेम रोजा स्पीसीज, रोजा स्पीसीज में रोजा सेंट्रिफोलिया, रोजा डेमेंसिया और रोजा एल्बा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर इम्पोर्टेंट रोज प्रॉपर्टी इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा रोज को खरीदता कौन है और बेचता कौन है। तो जर्मनी जो है सबसे ज्यादा रोज को खरीदने वाला है, क्या जर्मनी में सबसे ज्यादा रोज गुलाब का आयात होता है। उसके बाद यूएस सेकेंड नंबर पर यूएसए है, फिर नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूके। अब सबसे मेन एक्सपोर्टर की बात करें, निर्यातक देश की बात करें, जो बेचता है, तो सबसे ज्यादा बेचने वाला देश है नीदरलैंड, उसके बाद कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, केन्या, इजराइल एंड जिम्बाब्वे। तो ये कुछ देश हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। भारत की बात करें तो मेजर रोज फ्लावर कल्टिवेटिंग स्टेट्स जो है, जहां जहां पर सबसे ज्यादा भारत में उगाए जाते हैं, वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी रोज के बारे में जानते होंगे, कई कलर के, कई विधि के, अनेक रोज के फ्लावर्स के वेराइटी आते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग आए यूज के, इसके यूज और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो रोज का आप यूज तो पहले से बेस्ट नोन है, मतलब इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं कि रोज का कितना यूज होता है। सम आर यूज इन लैंडस्केप प्लांट, मतलब कुछ हेजिंग के लिए, मतलब बाउंड्री बनाने के लिए, कुछ को लैंडस्केपिंग के लिए, भूमि सुधार के लिए, भूमि सुंदरता बढ़ाने के लिए, बहुत दृश्य के लिए, उसका कुछ का कट फ्लावर के नाम में यूज होता है, कुछ रोज का यूज होता है परफ्यूम बनाने के लिए, कुछ का रोज ऑयल, रोज वाटर, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट से और यूज जैसे जैम, जेली, मालमेडे और कई प्रकार के हर्बल और फोल्क मेडिसिन रोज से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखा जाए रोज के बारे में, इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो रोज जो है फैमिली रोजिएसी से बिलोंग करता है। ऑल स्पीसीज ऑफ दिस फ्लावर आर माइनर एक्सेप्शन बिलोंग टू द जीनस रोजा, सभी जो स्पीसीज हैं फ्लावर की वह माइनर है, जो और जो जीनस है वह रोजा के अंतर्गत आती हैं। There are about 450 recognized described species. कुल मिला के 150 स्पीसीज को खोजा गया है। रोजा को चार सब जेनरल जेनरस में बांटा गया है, जिसका नाम है यू रोजा, प्लेट्रीहोडोन, हेस्परहोडोन्स और होल्थेमिया। ये चार इसके सब जेनेरा हैं, जिसको जिसमें इसको बांटा गया है। उसके बाद सिम्बलिज्म, रोज कलर सिम्बलाइज सॉफ्ट फीलिंग फॉर मेनी स्पेशल ओकेजन, जैसे कुछ रोज जो होते हैं वो अपना अपना खुद के कलर के हिसाब से अपना अपना कुछ सिंबल होते हैं। जैसे जो पिंक वाला होता है वो ग्लेस और एलिजेंस का प्रतीक होता है, मतलब उत्सुकता का प्रतीक होता है। ये जो ग्रेड वाला होता है ये लव और रोमांस का, प्यार के लिए। उसके बाद ये जो हल्का सा पीला मिक्सचर कलर होता है ये एंथुजियाजम का। उसके साथ येलो कलर जो होता है वो फ्रेंडशिप का होता है, और वाइट कलर जो होता है वो इनोसेंस और प्योरिटी सच्चाई का होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चला जाए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोज, रोज की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो रोज के कुछ क्लासेस दिए हुए हैं, जिसके अंदर कुछ मेन वेराइटीज और कुछ पॉपुलर वेराइटीज बताई गई हैं। जैसे पहला क्लास है हाइब्रिड टी, क्या हाइब्रिड टी, यह हाइब्रिड टी हाइब्रिड परपेचुअल और टी रोजेज के क्रॉस से बना हुआ है। मोस्ट पॉपुलर रोज इसी में आते हैं। बियर लार्ज एंड हाईली सेंटर फ्लावर, मतलब मुख्य बड़े बड़े फ्लावर्स इसी में बनते हैं और सिंगल एंड स्टेम पे बनते हैं। फर्स्ट वेराइटी इसकी जो थी वह थी ला फ्रांस
1867 में क्रिएट किए गए थे। सम नोन वेराइटीज आर, कुछ जो वेराइटीज हैं, मेलोडी, डार्लिंग, सोनिया, ओनली लव एटसेट्रा। उसका जो सेकंड है क्लास वाई फ्लोरिबंडा, यह हाइब्रिड टी और पोलियंथा के क्रॉस से बनाया गया है। दे कॉम्बाइन टू द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ हाइब्रिड टी विद परपेचुअल फ्लावरिंग हैबिट ऑफ पोलियंथियस, मतलब हाइब्रिड टी और पोलियंथा का क्रॉसेस है। उसका फ्लावरिंग इन क्लस्टर, इसका जो फूल होता है वह गुच्छे में फूलता है। स्मॉल साइज छोटा होता है, सेंटर ओपन, इसका बीच वाला हिस्सा ओपन होता है। गुड इन गार्डन डिस्प्ले, बगीचे में बहुत सुंदर दिखता है। इसकी कुछ मेन वेराइटी है किस, फ्लोरेंस, मर्सिडीज, जैगुआर एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग थर्ड क्लास की बात करें तो ग्रैंडी फ्लोराज। ग्रैंडी फ्लोराज क्या है, यह मेनली ऑप्टेन फ्रॉम क्रॉस बिटवीन, इसमें हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा के टाइप को क्रॉस कराया गया है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, बहुत ज्यादा फ्लावर को गुच्छे में यह प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में मोंटेजुमा 1955 में, क्वीन एलिजाबेथ 1954 में। सेकेंड जो लास्ट है मतलब मिनिएचर, मिनिएचर या बटन रोज। मिनिएचर बटन रोज क्या है, पॉपुलरली नोन एज बेबी रोज, इसे बेबी रोज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पत्तियां छोटी होती है, फूल भी छोटे होते हैं। दे हैड हार्डी एंड गुड फॉर पॉट कल्चर, ये पॉट मतलब जो होता है पॉट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कटिंग के द्वारा इसे मल्टीप्लाई किया जाता है और रूट स्टॉक पर भी आसानी से इसकी बडिंग लगाई जा सकती है। अगली बात हम लोग करें कि क्लाइंबर्स और रैम्बलर्स, कुछ फ्लावर जो होते हैं चढ़ने वाले और रेंगने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे फ्लावर होते हैं, गुच्छे में फूलते हैं, एक से दो एक गुच्छे में एक से दो फ्लावर होते हैं और ग्रुप में होते हैं ये। और उसके बाद ये ज्यादातर चढ़कर ही फूलते हैं, क्या ये ज्यादातर चढ़ के ही फूलते हैं। अगला है कैबेज रोजेज। कैबेज रोज क्या है, कैबेज रोज सच ड्यू टू न्यूमरस पेटल्स दैट क्रिएट अ लार्ज, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पेटल्स होता है, इसकी जो पंखुड़ियां होती है इसमें बहुत ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं, और जब फूलता है तो जैसे लगता है कि पत्ता गोभी जैसा है। ये बिलोंग करता है स्पीशीज आर सेंट्रिफोलिया के अंतर्गत। उसके बाद अगला टॉपिक पे हम लोग चलें तो एग्जीबिशन वैरायटी। कुछ वैरायटी जो एग्जीबिशन मतलब दिखावटी के रूप में होती हैं, जैसे कि रेड कार्वेट, क्लासिक ड्यूएट, रेड हॉर्जन, कीवी, एल्वेंथिस ड्यूएट एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग कुछ और वैरायटीज के बारे में बात करें, जैसे कि IARI रिलीज वैरायटी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो वैरायटीज को रिलीज किया गया, उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, जैसे पूसा अभिषेक, पूसा मुस्कान, पूसा वर्गेना, पूसा प्रिया, पूसा पीताम्बर, मानसी, मदर टेरेसा। ये कुछ फ्लावर हैं जो कि IARI के द्वारा रिलीज वैरायटी हैं। कुछ और वैरायटी जैसे नेहरू सेंचुरी, लहर, पूसा शताब्दी, पूसा कोमल, ये भी इसी की वैरायटी है जो IAR के द्वारा है। कुछ जैसे पूसा गौरव, पूसा अजय, पूसा मोहित, पूसा शोभित, पूसा अरुण, सभी का फिगर के साथ आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की जो वैरायटी रिलीज की गई है, अर्का परमाला, परिमाला, ये एक वैरायटी है जो रिलीज की गई है IIHR के द्वारा। एक्सपोर्टेड वैरायटीज जो कि एक्सपोर्ट के लिए काम आती है, जैसे कि कुछ वैरायटीज ग्रो की जा रही है नोब्लीज, ग्रैंड गाला और गोल्ड स्टाइल, ये वैरायटी जो है यह एक्सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। कुछ और वैरायटीज जैसे वर्सिला, फर्स्ट रेड, बियांका, हॉलीवुड, ट्रैवल, ट्रॉपिकल पैशन, ये वैरायटीज एक्सपोर्टिंग के लिए इसको वैरायटीज को रिलीज किया गया है। उसका प्रोपागेशन की बात करें तो कमर्शियल मेथड जो इसका प्रोपागेशन है वो होता है टी बडिंग के द्वारा, मतलब इसका एक बडिंग निकाली जाता है, टी शेप में काट कर उसे रूट स्टॉक पर ज्वाइंट कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक प्लांट बहुत आसानी से पकड़ लेता है। उसके बाद कुछ और वैरायटी जैसे डोरमेंट आई ऑफ स्कैन चूजिंग टी बडिंग। टी बडिंग का मतलब क्या होता है, टी बडिंग के बारे में हम आपको बाद में कभी नए लेक्चर में बता देंगे। जैसे टी बडिंग नॉर्मली समझिए कि पहले एक रूट स्टॉक होता है, मतलब जो हमारा पुराना पेड़ कहीं लगा होगा, उसके बाद जिस वैरायटी का हमें जाके उस पर फ्लावर लगाना है, जिस वैरायटी का प्लांट उगाना है, उस वैरायटी का एक बड निकाल लेंगे चाकू की मदद से, उसका जो बडिंग नाइफ होता है उसकी मदद से बड निकाल लेंगे। उसके बाद वहां टी शेप काट के उस बड को उसमें फिट करके रूट स्टॉक में पैक कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लगा के रूट स्टॉक में बड को लगा के पैक कर दिया गया, तो ये टी बडिंग के माध्यम से होता है। अगला जो हम लोग पास क्लाइमेट, अब हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाई टेम्परेचर में पॉली हाउस का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए विथ सिंपल वेंटिलेशन, इवापोरेशन, कूलिंग एंड पैड और फैन सिस्टम, मतलब ठंडी उसे पहुंचना चाहिए। माइक्रो स्प्रिंकलर, बहुत छोटे वाले स्प्रिंकलर पानी देने के माध्यम से। उसका लो टेम्परेचर एट राइट, रात को ठंडा मौसम होना चाहिए, डेट्रीमेंटल फॉर ग्रोथ,
या ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा रात में तो वह ग्रोथ के लिए दिक्कत करेगा, ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करें तो 50-60% पाली हाउस में ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करें, सीओटी लेवल 1000 ppm ppm होना चाहिए, जिससे कि फ्लावर का बहुत अच्छा से प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ओपन फील्ड कंडीशन अगर होगी तो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी 75% होनी चाहिए फ्लावर को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर, एनवायरमेंट क्या क्या प्रभाव करता है, तो जैसे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्टेंट इन इंडक्शन ऑफ जुवेनाइल पीरियड, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तेजी से क्या करेगा, उसका जुवेनाइल पीरियड कम हो जाएगा और जल्दी से वो फूल फूलने लगेगा। उसके बाद लो टेम्परेचर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस इज पॉली हाउस प्रमोट डिजीज, अगर टेम्परेचर कम होगा तो पॉली हाउस में कुछ डिजीज होने के काज हो सकते हैं। उसका और भी कई इफेक्ट होते हैं, जैसे विंटर चिलिंग काज फाउंड इन नेसेसरी फॉर बर्ड परमिशन, क्या कि जो ठंडी का जो चिलिंग होता है, ठंडी पड़ना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फूल के बर्ड को बनने के लिए। अगले स्लाइड पे हम लोग जैसा चलते हैं सॉयल, इसे कैसे सॉयल की जरूरत होती है, तो एक आइडियल सॉयल शुड बी रिच लूज, वह लूज होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल भी होना चाहिए, डेप्थ करीब 50 सेंटीमीटर तक आसानी से उसमें होना चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि रूट्स को हवा लगता रहे। उसके बाद रोजेज डू नॉट टॉलरेट वाटर लगिंग, इसमें पानी लगने से यह बहुत तुरंत खराब हो जाता है, इसलिए ज्यादा जहां पर वाटर लेवल है वहां पर इसे नहीं लगाया जा सकता। रोजेज कैन बी ग्रोन इन सॉयल लेस मीडिया विथ रॉक वूल पीट कोकोपीट परलाइट, इसे बहुत तरीके के सॉयल में उगाया जा सकता है। सॉयल पीएच करीबन 6.2 से 6.8 होनी चाहिए इसमें रोज में। अगला हम लोग बात करें लैंड प्रिपरेशन की, इसकी भूमि की तैयारी कैसे की जाती है, तो सॉयल शुड बी डग डेप्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी को खन देना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को उसमें मिला देना चाहिए, सॉयल को स्टरलाइज कर देना चाहिए कुछ सॉयल बॉर्न डिजीज से, जैसे कई प्रकार के जो फंजीसाइड होते हैं उसकी मदद से इसको हम लोग को क्या कर देना चाहिए, ट्रीट कर देना चाहिए, जिससे कि इसमें सॉयल बॉर्न डिजीज ना लग पाए। आगे हम लोग चलें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो सॉयल स्टेबलाइजिंग टेक्निक, सॉयल स्टेबलाइजिंग टेक्निक में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं सॉयल को अच्छा बनाने के लिए, सॉयल का सोलराइजेशन कर सकते हैं, मतलब सॉयल को थोड़ा सा जुताई करके छोड़ देंगे तो जितने मतलब बैक्टीरिया जो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे और इंसेक्ट हो जाएंगे वो डेड हो जाएंगे। केमिकल स्टेबलाइजिंग करना है हम लोग को, तो फाइटोफ्थोरा फ्यूजेरियम और पाइथियम के लिए हम लोग 2% फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल ब्रोमाइड 30 ग्राम पर मिली स्क्वायर, उसके बाद रिसेंट केमिकल डोजामेट बेसालिन, उसके बाद प्लास्टिक सीट से कवर 3 दिन करके हम लोग इसे कई प्रकार से स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं कि सॉयल में किसी प्रकार का डिजीज या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। आगे हम लोग चले तो क्या है बेड प्रिपरेशन, बेड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो बेड को प्रिपेयर करने के लिए चौड़ाई 1 मीटर रखी जाती है, लंबाई 21 मीटर रख के हाइट को 30 से 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पाथवे को 40 से मतलब 60 सेंटीमीटर का बीच में पाथवे छोड़ना चाहिए जिससे कि हम लोग उसमें इंटरकल्चर कर सकें। ये हुआ इसके प्रिपरेशन के बारे में। अब हम लोग मैन्यूर फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो ये मैन्यूर जो है बहुत ज्यादा ही फीडर करता है, मतलब बहुत ज्यादा मैन्यूर यूज करता है, लॉट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट ब्रॉडकास्टिंग, ये सब ब्रॉडकास्ट के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद ऊपर के जो मिट्टी होती है उसमें मिक्स किया जाता है 30 सेंटीमीटर सॉयल में, इस्टेब्लिश करने के बाद इरिगेशन सिस्टम को अप्लाई कर देना चाहिए। नाइट्रोजन इसमें कंसंट्रेट रिक्वायर फॉर फर्टिगेशन, फर्टिगेशन के समय जो मतलब कि पानी के साथ जो खाद दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जा सकता है, तो समर और विंटर में यहाँ पे आपके सामने टेबल में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन 100 से 200 ppm पर लीटर पानी में देना चाहिए और विंटर के समय 50 से 160 ppm पर लीटर देना चाहिए। इस हिसाब से अमोनिया का दिया गया, नाइट्रेट फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का दिया गया है, या आप इस हिसाब से पार्ट्स पर मिलियन पर प्रति लीटर पानी के साथ फर्टिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। फर्टिगेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि पानी के साथ खाद को देना। आगे हम लोग इस ट्रेंड चलते हैं तो प्लांटिंग कैसे की जाती है, तो आइडियल मेथड ऑफ प्लांटिंग इज डबल रो सिस्टम, मतलब इसे 2 रो में करना चाहिए, एक जो बेड बनाया है उस पर डबल रो में करना चाहिए, जैसे देखिए ये बेड बना हुआ है 1 मीटर चौड़ा, तो इस पर 2 रो में प्लांटिंग किया गया है। प्लांटिंग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 25 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लॉन्ग स्टेम वेराइटी आर प्लांटेड एट 25 से 26 सेंटीमीटर, जो लंबी वेराइटीज हैं
उसमें 25 से 26 सेंटीमीटर दूरी देनी चाहिए, और छोटी स्टेम वैरायटी जो है वो 18 से 25 सेंटीमीटर दूरी देनी चाहिए। प्लांटिंग टाइम सबसे बढ़िया होता है अक्टूबर से नवंबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर में बहुत अच्छे से इसकी प्लांटिंग की जाती है। आगे हम लोग बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे क्या क्या दे सकते हैं प्लांट को उगाने के लिए बहुत तेजी से, तो जिब्रेलिक एसिड दे सकते हैं जो कि क्या करता है फ्लावरिंग और ग्रोथ को बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, नोट्स की लंबाई को बढ़ाता है और फ्लावरिंग की पीरियड को बढ़ा देता है और यील्ड को भी बढ़ा देता है। ट्रिपल सी 3% सॉल्यूशन दे सकते हैं जो कि ड्वार्फिंग कर देता है और फ्लावरिंग को बढ़ाता है, मतलब प्लांट को छोटा रखता है और फूल जो लगते हैं वो बहुत तेजी से लगते हैं। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन को वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए नहीं तो यह खराब हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर वेराइटी, हर वेराइटीज के हिसाब से पानी की जरूरत इसमें देनी चाहिए। आइडियल मेथड सबसे अच्छा बढ़िया मेथड जो है वह ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है। ड्रिप इरीगेशन मेथड सिस्टम सबसे अच्छा दिया जा सकता है। एनदर मेथड ऑफ इरीगेशन जो और मेथड इरीगेशन के हैं सब सरफेस में भी दे सकते हैं, इन विच वाटर डायरेक्टली डिलीवर टू द रूट जोन विदाउट एनी लॉस, मतलब इसमें सब सरफेस इरिगेशन से दे सकते हैं। रेगुलर सॉयल मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मतलब सॉयल को हमेशा मॉइस्चर रहने से ग्रोथ अच्छा होता है। आगे हम लोग चले नेक्स्ट स्लाइड पर, तो हम लोग देख सकते हैं कि डेली वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, यदि क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कितना कितना पानी की जरूरत होती है एक प्लांट को, तो क्लाउडी कंडीशन में 2 लीटर पानी की जरूरत होती है, 30% सनशाइन में 3 लीटर, 60% सनशाइन धूप में 4 लीटर और 100% सनशाइन रहेगा तो 5 लीटर की जरूरत, और समर की बात करें तो 8 लीटर पानी की जरूरत होती है प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में। उसके बाद अगला स्लाइड पे हम लोग देखें कल्चरल ऑपरेशन, कल्चरल ऑपरेशन में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो वीड मैनेजमेंट मतलब घास का क्या क्या कर सकते हैं, तो वीड मैनेजमेंट सबसे पहले मैनुअल वीड को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कि हाथ से निकालना चाहिए। उसके बाद और मन करे तो डाई यूरिया 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर ऑक्जी फ्लोरोफ्लेन 0.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर राइस स्ट्रा जो धान की भूसी होती है उसका मल्चिंग कर देना चाहिए, बिछा देना चाहिए, यह भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेजर वीड जो है कुछ मेन घास जो होते हैं इसमें एनागेलिस अरवेंसिस, मेलियोटेलस एल्बम, चिनोपोडियम एल्बा, पोलिगोनियम एटसेट्रा, इसमें कई प्रकार के घास लगते हैं उगते हैं, तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अगला जो है मल्चिंग, मल्चिंग क्या है, तो मल्चिंग क्या करता है सॉयल मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, कंजर्व करता है, सप्लाई ह्यूमस ह्यूमस भी प्रदान करता है, साथ में घास को भी दबा देता है। उसके बाद यह पैडी, इससे किया जा सकता है पैडी स्ट्रा से या फिर सूखे हुए पत्तों से, यह क्या करता है ग्रोथ को भी बढ़ाता है, फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है, उत्पादन भी बढ़ाता है, फूल भी बढ़ाता है, उसके बाद सॉयल की भौतिक गुणों को भी बचाता है। तो मल्चिंग जरूर करना चाहिए यदि हम लोग अच्छा ग्रोथ पाना है तो। मल्चिंग का मतलब होता है प्लास्टिक से या फिर किसी और चीजों से उसको पूरे मिट्टी को कवर कर देना। अगली बात करें हम लोग बिल्डिंग ऑफ द प्लांट, प्लांट को बिल्डिंग करना, प्लांट को बढ़ाना, तो 20 दिन के बाद प्लांट को पिंच कर देना चाहिए, मतलब ऊपर से नोच देना चाहिए, 45 दिन के बाद उसे बेंड कर देना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। स्ट्रांग स्प्राउट्स विल स्पार्ट बर्ड यूनियन अब 10 से 12 दे, और 18 से 10 दिन के बाद बर्ड इनिशिएशन शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से इसमें किया था, बेंडिंग एक पैटर्न है जिसमें क्या किया था प्लांट को पहले, मतलब जो छोटा होता है 20 दिन प्लांटिंग के, तो उसमें ऊपर वाले हिस्से को नोच दिया जाता है जिससे कि बगल बगल से उसकी डालियां निकल जाए, तो उसके बाद फिर उसे बेंड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है जिससे कि वो सही से शेप ले ले और अच्छे से फ्लावरिंग करे। पिंचिंग क्या होता है, पिंचिंग जैसे हमने बताया कि ऊपर वाले जो फुनगी वाला पौधा है, मतलब ऊपर का प्लांट जो पार्ट्स है उसको नोच देना, जैसे देखिए इसमें ऊपर वाले पौधे को नोच दिया गया, पार्ट्स को नोच दिया गया, तो ये अब बगल बगल से डाल निकलने लगी। तो बिफोर पिंचिंग आफ्टर पिंचिंग यही होता है, 8 वीक आफ्टर प्लांटिंग, प्लांट करने के 8वें हफ्ते में लगा किया जाता है इसे, दूसरे महीने में करीबन 2 महीने के बाद। पिंचिंग करने का तरीका देखिए आपको जैसे सामने दिख रहा है कि पिंचिंग कर सकते हैं। अगला होता है डीप डिसबडिंग, डिसबडिंग का मतलब होता है आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ पिंचिंग, पिंचिंग के दूसरे हफ्ते के बाद रिमूव द अनडिजायरेबल बर्ड्स एट ट्वाइस द वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार जो बिना काम की बर्ड्स आ रही हैं, मतलब जो कलियां बिना काम की हो रही हैं, उन कलियों को नोच के हटा देना, हटा देना, जैसे देखिए यहाँ पर हटाया रहे हैं बर्ड्स को निकाल रहे हैं, जो मतलब हमारे काम के नहीं उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखा जाए जैसे देखिए किसको किसको हटाया जाता है, देखिए बर्ड्स इधर से भी निकल रहा है इधर से भी, तो इन बर्ड्स को हटा दिया जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से इसे तैयार किया जाता है, बर्ड नेटिंग, बर्ड को नेट किया जाता है, मतलब
इसमें कई तरीके, जैसे स्टार्टिंग में ही बर्ड को नेट लगा दिया जाता है जिससे कि उस पर किसी प्रकार का इंसेक्ट न जाए, वो बहुत अच्छे से उसका शेप बने और शेप खराब ना हो। तो रेगुलेट द शेप ऑफ बर्ड, बर्ड के शेप बनाने के लिए, आकार बनाने के लिए सही से कुछ वेराइटीज में बर्ड नेट्स को जरूरत होती है, बर्ड नेट्स की जरूरत पड़ती है। अगला हम लोग देखें तो वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? तो पहले क्या होता है कि जब फ्लावर एक बार फूल जाए तो फ्लावर को काट दिया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि रोज की छटाई, गुलाब की छटाई करना है, तो छटाई जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम लोग छटाई नहीं करेंगे तो दोबारा फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसलिए एक बार जब फ्लावर सभी फूल जाए तो उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के महीने में, स्टार्टिंग महीने में, इसे क्या कर देना चाहिए कि 30 से 45 सेंटीमीटर जमीन से छोड़ के इसे पूरा काट देना चाहिए। और काटना इस शेप में चाहिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर काटा गया, 3 शेप में काटा गया, तो इसी शेप में काटना चाहिए जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। आगे हम लोग बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की, कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, उसका कंट्रोल क्या है। तो सबसे पहला पेस्ट जो है वो एफिड लगता है। एफिड क्या है? माइक्रोसिफियम रोजेम फिस से लगता है, एफिडी फैमिली का है। इसके कंट्रोल मीजर रोगोर से कर सकते हैं या फिर इमिडाक्लोप्रिड से कर सकते हैं, एस्टिफेट और स्टिकर को मिला करके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है, एफिड। एफिड एक मक्खियां होते हैं जो रस को चूसते हैं, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है रोगोर से या इमिडाक्लोप्रिड से। अगला जो है हम लोग के पास वह है थ्रिप्स। थ्रिप्स भी एक प्रकार का इंसेक्ट है जो बहुत तेजी से पत्तियों में लगता है। इसका नाम है थ्रिप्स टैबेकी फ्रैंग्लिया टिटिकी, थ्रिप्स मैग्निस। इसमें क्या होता है, कंट्रोल मीजर जो जो पोर्शन खराब मतलब अफेक्टेड हो गया उसको नोच के फेंकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड्स कार्बोसल्फान, उसके बाद स्टिकर का यूज करके छिड़काव करें। इमिडाक्लोप्रिड, एस्टोफिडा, स्टिकर का छिड़काव करने से यह कंट्रोल हो जाते हैं। अगला हम लोग चले नेक्स्ट इंसेक्ट पे, तो वह है माइट्स। माइट्स भी एक प्रकार के इंसेक्ट हैं, टेट्रानाइकस यूट्री। कंट्रोल मेजर एबिमेसेंटिन, नीम ऑयल और स्टिकर का छिड़काव करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगला जो है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है यह भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है गुलाब के पौधों में। स्पोडोपेट्रा ल्यूट्रा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। कंट्रोल मेजर मिथाइल पैराथियन स्टिकर के साथ मिलाकर, या मिथोमाइल एसिफेट और स्टिकर का स्प्रे करें, या मिथोमाइल स्टिकर का स्प्रे करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला हम लोग डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, जो कि इस फेरियोथिका पैनासिया रोजेसिस लगता है। कंट्रोल मेजर क्या है, इफेक्टेड प्लांट पार्ट्स को हटा दें या फिर बॉप्रीमेट और माइक्रो ब्यूटामिल स्टिकर के साथ स्प्रे करने से यह कंट्रोल होता है। पेंकोमोजाल, वेटेबल सल्फर और स्टिकर का छिड़काव करें। डाइक्लोफेनाजोल, उसके साथ माइकोट्यूबुलिन और स्टिकर का छिड़काव करने से यह कंट्रोल किया जा सकता है पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे पर्सिनोस्पोरा स्पर्सा में। तो कंट्रोल मेजर इसका है डिक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कम करने से यह अच्छा कंट्रोल होता है, या फिर रिडोमिल स्टिकर का छिड़काव करें मिला करके, या फिर फोसेटिल एल्यूमिनियम और स्टिकर का मिला करके छिड़काव करने से यह कंट्रोल होता है। आगे हम लोग देखें ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट भी रोज में बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज लग जाता है कभी कभी। कंट्रोल मेजर इसका है कि जो जो लीफ इफेक्टेड है उसको निकाल करके जला दें, उसके बाद जो इम्प्रूव वेंटिलेशन, हवा का प्रभाव अच्छा करें जिससे कि हवा ज़्यादा लगे, उसके बाद रिडोमिल स्टिकर का छिड़काव करें। अगला हम लोग के पास जो है फ्यूजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो फ्यूजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कि क्या क्या डिसऑर्डर आ जाते हैं प्लांट में। तो पहला होता है बल हेड या मालफॉर्म फ्लावर। यह क्या होता है, या इसमें बर्ड जो होता है छोटा हो जाता है, या फिर तो बर्ड प्रीमैच्योर पहले ही बर्ड खराब हो जाता है, तने की लंबाई छोटी रह जाती है। ये किस लिए होता है, तो ये होता है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, या फिर फर्टिगेशन नहीं करेंगे, इरीगेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हो जाता है। इसका छिड़काव बोरान का 30 से 60 ppm छिड़काव करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लाइंड सूट। ब्लाइंड सूट भी दूसरा इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बर्ड ही नहीं बनता और सूट में किसी प्रकार का पिस्टिल और स्टामेन लगता ही नहीं है। यह किस लिए होता है, लो टेम्परेचर होने की वजह से या फिर बोरान की कमी की वजह से। तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी का छिड़काव करें या जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करें, साथ में बोरान का छिड़काव करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है ब्लैक नेक, बेंट नेक।
बेंट नेक में क्या होता है कि वाटर पानी की कमी से या फिर सही से शूटिंग का मैनेजमेंट नहीं किया गया या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इसका जो नेक होता है वो मुड़ जाता है। तो इसे कैसे किया जा सकता है कंट्रोल, तो प्रॉपर इरिगेशन की मदद से और प्रॉपर डी शूटिंग की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है कि 4 महीने के बाद प्लांट में जो होता है फ्लावर वह हार्वेस्ट के लायक हो जाता है। कटिंग ऑफ स्टेम, स्टेम कटिंग कैसे करते हैं, तो फर्स्ट कटिंग 3 से 4 मैच्योर लीफ लेफ्ट, जब 3 से 4 मैच्योर को लीफ को साथ में लेकर के फूल को काटना चाहिए। सेकेंड कटिंग 2 मैच्योर लीफ के साथ करनी चाहिए और फ्लावर को कटिंग टू कटिंग ही करना चाहिए, कट करना चाहिए। आगे हम लोग बात करें कुछ कटिंग के, देखिए तरीके दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए फूल को काट रहे हैं, उसका काट के ऐसे गुच्छे में रखा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद ग्रेडिंग, इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है, तो ग्रेडिंग इनके लेंथ के हिसाब से, साइज के हिसाब से, फ्लावर के शेप के हिसाब से, उनमें कितनी पत्तियां हैं, कितने स्टेम तने लगे हुए, तना कितना लंबा है, फुलेज कैसा है, फ्लावर कितना बड़ा है, इन सभी के आधार पर इसकी ग्रेडिंग की जाती है, छटैया की जाती है। तो आप सभी यहाँ स्टडी कर सकते हैं किसके हिसाब से, तो स्टेम लेंथ के हिसाब से, उनके फ्लावर के शेप के हिसाब से, लीफ के नंबर के हिसाब से, इस हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेडिंग देखिए, ग्रेडिंग का कोड दिया गया है कि अगर कोड 0 है तो 5 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई तक का स्टेम लेंथ वाला कोड 0 में रखा जाता है, 5 वाले कोड में 5 से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले 10 कोड वाले में 10 से 15 सेंटीमीटर, उस तरीके से ये कोडिंग दी गई है, स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसके। अगला हम लोग देखिए यहाँ पर ये कोडिंग मतलब इसको ग्रेडिंग करके इसे सजाया गया, उसके बाद इसे पैकिंग की जा रही है। इसे पैकिंग करने के बाद इसे इस रोज को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ फ्लावर, इसे केमिकल के द्वारा 2 से 4 सेंटीमीटर पर 1 हफ्ते तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। पैकिंग, पैकिंग जो है फ्लावर का बंच किया जाता है और बांध कर एक एक गुच्छे में इसे रखा जाता है, कार्डबोर्ड स्लीव में, पेटी में रख दिया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें इसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, तो ट्रांसपोर्टेशन से फार्म से कस्टमर तक कैसे जाता है, तो सबसे पहले फार्म के कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक से एयरपोर्ट तक जाता है, वहां से कोल्ड स्टोर एयरपोर्ट में ही रहता है, साथ में फिर वहां लोडिंग होता है एयरक्राफ्ट पर, और डायरेक्ट कोल्ड स्टोर से ही 5 से 10 मिनट में रखा जाता है, फिर अनलोड किया जाता है कोल्ड स्टोर से और रिसिप्ट किया जाता है देश में, जिस देश में जरूरत होती है, फिर ट्रक रेफ्रिजरेटेड ट्रक में कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। ये इसके प्रोसेस थे मार्केटिंग के। मार्केटिंग कहां कहां होता है भारत से, तो भारत से ऑक्शन सेंटर जैसे हॉलैंड, असेंबल, वीवीए, ओटामा, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरबियन कंट्री में भारत से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे हम लोग बात करें इसके इल्ड की, तो इल्ड कितना होता है, तो कट फ्लावर की बात करें तो कट फ्लावर में अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है तो 150 से 300 क्वालिटी फ्लावर प्रति स्टेम प्रति मीटर स्क्वायर इसमें होता है प्रति साल। उसके बाद अंडर ओपन फील्ड कल्टीवेशन में सिर्फ 10 से 20 फ्लावर स्टेम प्रति स्टेम निकलते हैं हाइब्रिड टी में। लूज फ्लावर की बात करें तो लूज फ्लावर में 10 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है आर डेमेस्केना की। आगे हम लोग बात करें कुछ इसके प्रोडक्ट्स की जो बनाए जाते हैं इसे, जैसे कि गुलकंद, ये देखिए गुलकंद बनाया गया है गुलाब के फूल से। अगला जो है रोज आयल, रोज आयल के बारे में आप सभी जानते होंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है और ब्यूटी में बहुत ज्यादा इसका यूज है। उसका अगला है रोज वाटर, रोज वाटर काफी ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग होता है और उसके साथ साथ इसका फूड इंडस्ट्री में भी रोज वाटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, गुलाब जल। और उसके बाद अगला जो है पॉटप्यूरी, पॉटप्यूरी को टेबल सजाने के लिए यूज किया जाता है सूखे हुए पत्तियों का यूज करके, सूखे हुए पंखुड़ियों का। अगला है रोज का परफ्यूम, तो रोज के परफ्यूम बनाए जाते हैं तो आप सभी देख ही सकते हैं। उसके बाद रोज का यूज किया जाता है रोज गार्डन सजाने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर ऊटी का रोज गार्डन है, यहाँ पर रोज से ही पूरा गार्डन को बिल्कुल गजब सजाया गया है। आगे कुछ हम लोग और बात करें, रोज गार्डन लालबाग बेंगलुरु कर्नाटक का सजाया गया है, देखिए ये रोज गार्डन है। आगे है रोज गार्डन चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का ये रोज गार्डन है। आपको स्टूडेंट्स रेफरेंस है कहाँ कहाँ से हमने ये कलेक्शन इकट्ठा किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट फ्लावर कल्टीवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेकिन पूरा टोटल कंटेंट इसमें कनेक्ट किया गया है, इसलिए स्टूडेंट्स आप जरूर स्टडी करें।